See, beti, if you want to separate out different component of air, again the technique known as distillation is operated. Okay. Again, the technique distillation can be operated, but the air we know that is a mixture of gases, isn't it? Air is a mixture of a gases. So air can be liquefied first, we know, by decreasing the temperature and increasing the pressure, isn't it? हमने ये first chapter में ये चीज किया था कि how you can liquefy a gas. हम ये कहते थे कि हम उसको ठंडा कर दें और ऊपर से pressure लगा दें तो gas को liquid में change किया जा सकता है. किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अब जब liquid में चले गए और अगर हमारे मेन नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन मेन गैसेस हैं इसमें और जो लिक्विड में चेंज हो गई, अगर वो डिस्टिलेशन के हिसाब से सेपरेट आउट होंगी तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट आउट होगी कि नहीं होंगी? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले हमें मिल जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लेट हमें मिलेगी. यही बात है कि नहीं है? अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैसेस आ जाती है बेटे, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात. नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और नो डाउट नोबल गैसेस भी नॉन मेटल है, आर्गन. ठीक है, अब ये बॉइलिंग पॉइंट की फॉर्म में सेपरेट आउट होती हैं. ध्यान से समझो, मैंने एटमॉस्फेयर में से गैस ले ली, बड़े कलेक्ट कर ली हमने, ठीक है, उसको हम पहले लिक्विड में चेंज करेंगे. अब लिक्विड में अगर आपके एलपीजी आ रही है, ठीक है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स में आ रही है, तो वो कैसे आ रही है? गैसेस के ऊपर हाई प्रेशर डाला गया, हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स पास पास आए, ठीक है, फिर टेम्परेचर को लो किया गया, ठंडा किया गया उन गैसेस को, कि जो उनकी गर्मी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कम हो जाए. अब इतनी बड़ी क्लास हो, मैं चाहती हूँ कि आप चुपचाप क्वाइट जैसे अभी बैठे वैसे बैठे रहे और पास पास भी बैठो, तो पहले तो आपको क्लास में घुसाया जाएगा, उसके बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी को लो किया जाएगा. अगर हिलते रहे फिर तो आप स्टेबल होके नहीं बैठोगे. तो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए पहले तो ऑपरेटिव प्रेशर एग्जर्ट करोगे ऊपर, ठीक, और फिर इसको कूल करोगे. अब ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ये प्रोसेस बारी बारी करते जाएंगे क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है. तो जब ये बारी बारी करते जाएंगे, ये सारी गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में. मगर ये जो गैस है हमारी, अगर याद हो हम एक ड्राई आइस की बात करते थे, है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबलाइम करती है. कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड एंड सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू वेपर्स, और उतनी ठंडी होती है जितनी आइस होती है, मगर ये हमें वो गीला गीला नहीं करती, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ड्राई आइस. जब आप एटमोसफियर प्रेशर 1 एटमोसफियर तक ले आते हो तो ये चेंज हो जाती है सीधा गैस के अंदर. अब हमने जब प्रेशर अप्लाई किया तो ये भी तो सॉलिड बनेगी, ये सॉलिड बन के अलग होएगी होएगी क्योंकि ये तो सॉलिड में चेंज हो जाती है. अब बाकी गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है, आर्गन का ये है, इसका दिस इज दिस, ठीक. अब सबसे कम अगर इंटीजर लाइन में इधर जाएं, सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का. अगर वैसे नंबर वाइज आपको ज्यादा नाइट्रोजन लग रही है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मगर अगर इसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन, साइन इज इन नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है ये क्या है, सबसे सबसे कम, ठीक है. जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो जल्दी बॉइल करनी शुरू हो जाएगी. कल ही हमने किया, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था, वो जल्दी से बॉइल होके कंडेंसर में आई थी. इन द सेम वे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगी, उसको ठंडा करके निकाल लिया जाएगा.
निकाल लिया जाएगा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? आर्गन का। उसको उसके बाद वो कौन सी बाहर आएगी? आर्गन, आर्गन आ जाएगी। और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगी? ऑक्सीजन, दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑल। समझ आई बेटे? एटमॉस्फेयर में से आपने गैसेस ली, उसको लिक्विड में चेंज किया। एक गैसी गैस जो है सीधा वो किसमें चेंज होती है? सॉलिड में। अब जब आप बुक में पढ़ोगे आपको सब समझ आएगी। समझा करो, एमसीक्यू आने हैं बेटे हमें। एमसीक्यू अभी धीरे, बस ये चैप्टर फिनिश हो गया, मैंने एमसीक्यू का ही टेस्ट लिया करना रोज आपसे, ठीक। अब आपने इनको, ये सारे लिक्विड हैं और सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -96, -86, -183। तो सबसे कम किसका हो गया? नाइट्रोजन का। जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है उसमें फोर्सेस कम थे, वो आपस में लिंक कम हुए थे। बॉइलिंग पॉइंट बेटे प्रॉपर्टी होती है कि मॉलिक्यूल्स में आपस में बॉन्डिंग कितनी है। समझ आ रही है? अब जब बॉयल होता है तो क्यों होता है कोई? अब हमने बॉइलिंग पढ़ी थी ना, लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन, जो ऑनलाइन में थोड़े थोड़े काम किए हमने। तो लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन में हमने क्या सीखा था कि जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो पहले आप जो एनर्जी देते हो वो ओवरकम इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो मॉलिक्यूल क्या चलते हैं? दूर दूर। उसके बाद वो लिक्विड से क्या बनने शुरू होते हैं? वेपर्स। और फ्यूजन में सॉलिड से किसमें चेंज होते हैं? लिक्विड में, ठीक है। अब बॉइलिंग की बात करें तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड से कहाँ चेंज होंगे? वेपर्स में। और जितनी ज्यादा इन मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन होगी उतनी हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा क्लोज है। तो इनको बॉइल करने में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। फिर बात आती है आर्गन की, उससे कम टेम्परेचर देना पड़ता है। फिर बात आती है नाइट्रोजन की, उनको बॉइल करने के लिए सबसे कम टेम्परेचर, सबसे बाहर पहले नाइट्रोजन आजाद, जिसमें गुस्सा कम, बॉइलिंग पॉइंट वो जल्दी आजाद उड़ के अलग होगी। फिर आर्गन की बारी, फिर ऑक्सीजन की बारी, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी सॉलिड है वो अलग हो जाएंगे। तो लास्ट है प्योरिफिकेशन, दिस इज योर होमवर्क टू डू। रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। गौरव हैज डाउट इन द प्रैक्टिकल, सो आई एम डिस्कसिंग दैट आल्सो विद यू। सो फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम। एलम होती है फिटकरी, ठीक है। अब इनका अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? कैसे घर पे प्रिपेयर करते हो? बीकर लोगे, पानी डालोगे, शुगर डाल दोगे, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। नमक डालोगे, नमक का सॉल्यूशन बन जाएगा। एलम डालोगे, एलम का सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकंड इज सस्पेंशन ऑफ प्रिपरेशन में क्या है? सस्पेंशन ऑफ सॉइल, चॉक पाउडर एंड फाइन सॉल्ट, सैंड। अगर वाटर में सॉइल डालोगे तो सॉइल की सस्पेंशन बन जाएगी, अगर चौक डालोगे तो चौक की सस्पेंशन, और अगर आपके पास सैंड है तो इसकी सस्पेंशन बन जाएगी। आपने बेसिकली तीनों चीजें बना के, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडर्स में डिफरेंस लगाना है, डिफरेंस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। अब आपको पता है जब आप नमक पानी में घोलते हो क्या सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है? होता है। तो ये सॉल्यूशन क्या बनेगा? ट्रांसपेरेंट। अगर मैं सैंड पानी में घोल दूं क्या सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा? नहीं होगा। तो सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। और अगर मैं स्टार्च, दैट इज कोलाइडल बनेगी स्टार्च, स्टार्च में अगर मैं पानी में घोल दूं क्या ट्रांसपेरेंट होगा? नहीं होगा। स्टार्च व्हाइट व्हाइट कलर की, तो अगर उसको पानी में घोलोगे तो सॉल्यूशन विल नॉट बी एज मच ट्रांसपेरेंट। तो देन इज फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, क्या आप सॉल्ट को फिल्टर करके अलग कर सकते हो? कर सकते हो?
मैं छन्नी दे दूं तुझे और मैं नमक वाला पानी दे दूं तो लग कर देगा। अगर मिक्स किया हुआ तो नहीं कर पाऊंगा, मिक्स नहीं किया तो कर देना, मिक्स करके देना मैंने सॉल्यूशन में लाके। और अगर मैं मिट्टी डाल के दे दूं मिट्टी को अलग कर देगा जसकरण पानी से। और अगर आई विल मिक्स स्टार्च इनटू वाटर यू कैन नो यू विल सेंट्रीफ्यूगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा, स्टार्च विल सेटल डाउन और वाटर अलग हो जाएगा। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन उनको फिल्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनमें क्या टेक्निक यूज करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम जोर जोर से स्पन करवाएंगे चरण। ठीक, स्टेबिलिटी, क्या ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं? अगर मैं नमक को पानी में घोल के दे दूं आपको और एक घंटे बाद भी नमक में पानी में नमक घुला रहेगा, यस दे आर स्टेबल। और अगर मैं सैंड को वाटर में घोल के दे दूं आपको, सैंड नीचे बैठ जाएगी। अगर मैं स्टार्च को घोल के दे दूं क्या ये स्टेबल रहेगा? और क्या, बस नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट वाइज। अब लेट मी टेक सम क्वेश्चंस, एमसीक्यू निकाल के दूंगी। वी आर स्टार्टिंग विद द एमसीक्यू। अब ना मुझे पहले सच्चाई बताओ, पूरी ट्रू सच्चाई, आपको आता क्या है? क्वाइट, स्टार्टिंग से बेटे, विल स्टार्ट टुडे। राइट डाउन, मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हरी अप। मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। One is pure substance and other is mixture. You will draw like this. प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक, एंड इनऑर्गेनिक। मिक्सचर्स are classified into homogeneous
होमोजीनियस आर ट्रू सॉल्यूशंस. And heterogeneous consists of colliders. And suspension. अब ये जो मैं आज करवा रही हूँ ना, इतना नेक्स्ट मंडे पढ़ के आना है. ठीक है, ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं एनसीईआरटी में लास्ट में गिवन है, स्टार्टिंग में मिक्सचर्स गिवन है, आपने लास्ट से स्टार्ट करना है. ठीक है, पढ़ाते वक्त बिल्कुल आवाज. अब बेटे एलिमेंट्स पे आ जाओ. एलिमेंट्स में मैंने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स करें. यू विल बी डूइंग अ पीरियोडिक टेबल इन क्लास 10th, उसमें भी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होंगे. जैसे कि लाइब्रेरी में आप जाते हो ना बेटे, तो आपको बुक्स ढूंढनी इजी इसलिए होती है क्योंकि वो एक तो क्लास वाइज मिल जाती है, एक आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाती है. वैसे केमिस्ट्री में कितने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, उनको क्लासिफाई किया गया एक पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल्स नजर आते हैं हमें, थोड़े से नॉन मेटल्स और उससे भी थोड़े मेटलॉइड्स. सबसे थोड़े मेटलॉइड्स होते हैं, सबसे थोड़े. ठीक है, अब आप 8th स्टैंडर्ड में एक डिफरेंस करते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स में करते हो. मैं थोड़ा सा आपको ग्लैंस देती हूँ पीरियोडिक टेबल का, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट इज पीरियोडिक टेबल. के चार ब्लॉक होते हैं, मैं दो ब्लॉक्स आपके सामने बनाती हूँ, यू विल बी अवेयर कि व्हाट इज ऑल अबाउट मेटल्स नॉन मेटल्स. ठीक है, यू हैव टू लर्न इट. ठीक, बेटे पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें 18 ग्रुप्स नजर आते हैं, 7 पीयर्स नजर आते हैं. ठीक, वो कुछ इस वे में होते हैं, जैसे ये है, नहीं ये मैंने बेटे यहाँ पे एक ब्लॉक होता है जिसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, और बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पे पी ब्लॉक आ जाता है. ठीक है, और नीचे होता है एफ ब्लॉक. ठीक है, तो
जब आप मेडिकल नॉन मेडिकल रखोगे ना आपको सारा याद करवा देंगे। क्वाइट अगेन बेटे, पीरियोडिक टेबल में यहाँ ये ब्लॉक में ये सारे मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, ये नीचे ब्लॉक होता है उसमें भी मेटल्स हैं, यहाँ भी मेटल्स हैं, यहाँ पे आके नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं। अब मेटल्स की आप खासियत की बात करते हो, एट स्टैंडर्ड भी कर चुके हो, अब सब में जब मैं एलिमेंट की बात करती हूँ तो सब का एक ही टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए हैं। अगर मैं ये सोडियम एलिमेंट की बात कर रही हूँ, इसका सिंबल Na है, तो वो सारा सोडियम का बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक मैग्नीशियम एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो वो मैग्नीशियम का ही बना हुआ है, उसमें हर एक एटम मैग्नीशियम है और हर एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से डिफर कर जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस आ जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ जाता है, उनका साइज में भी वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। आप सब, हम सब ह्यूमन बीइंग है बट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है तो एक दूसरे में डिफरेंस है। इन द सेम वे दीज ऑल कंसिस्ट ऑफ एटम्स बट दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पर जैसे ह्यूमन बीइंग एक ऐसी क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी अलग होगी दूसरे स्पीशीज से, वैसे मेटल्स की ऐसी क्लास होगी जो नॉन मेटल से डिफर करते होंगे, ठीक है। और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं मेटलॉइड्स, जैसे जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, टिन एक मेटलॉइड है, तो ये इनमें प्रॉपर्टीज दोनों की होती हैं, ठीक है, जो मेटल्स की और नॉन मेटल आपकी बुक में दिए हुए हैं जो मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या वेरिएशन आई, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन आई, ये वेरिएबल होगी। हम में क्या वेरिएशन, हमारी करैक्टरिस्टिक्स में है तो हम सारी ह्यूमन बींग्स, वैसे ये सारे एलिमेंट्स, समझ आ रही है। तो कुछ मेटल्स हैं, बहुत कम नॉन मेटल्स हैं और उससे भी कम मेटलॉइड्स हैं। बाल सब नहीं पढ़ के आए, ये हर एक क्लास में एक ऐसा बच्चा मिल जाता है मेरी स्पीड बढ़ा देता है, फिर वो बाकी कहते हैं समझ ही नहीं आती, चुप रहे, ठीक है। अब मेटल्स की क्या खासियत होती है बेटे, मेटल में ज्यादातर लस्टर है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, नॉन मेटल की खासियत है इनमें ये चीजें नहीं है, पर बेसिक प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है ना कि मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कभी भी देखा होगा आप Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हो, कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव दिखाते हो, नहीं, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो नेगेटिविटी गेन करते हैं। क्या मजाक नहीं चल रहा बेटे, ये तो कई नाइन्थ में नंबर ले लेते हैं और देन दे विल कम इन एनटीएससी क्लासेस ब्लैंक। नाइन्थ में केमिस्ट्री होती नहीं, एनटीएससी में बिल्कुल ब्लैंक बैठे होते हैं, हर एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं बेटे, मगर हर बच्चे की करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है और सब ह्यूमन बीइंग में भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब कई एनिमल्स में भी एक्सेप्शन होते हैं, कई एनिमल्स जैसे पैरेट है बोल पाता है, इन द सेम वे मेटल्स में भी एक्सेप्शन आ जाती है, नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन आ जाती है। हम मेटल हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मगर कार्बन एक मेटल नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वो अपने ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है,
तो देयर आर एक्सेप्शन एवरीथिंग, केमिस्ट्री तो फुल ऑफ एक्सेप्शन है. मेटल को जज नहीं, हम कहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड है, मरकरी है उनको बोलते हैं लिक्विड है. मेटल को बोला जाता है कि बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट. कभी सुना है हमने गैस एज ए मेटल, पर नॉन मेटल गैसेस होती हैं जनरली. ऑक्सीजन एक गैस है, फ्लोरीन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, क्या ये सोडियम गैस है, क्या कैल्शियम गैस है, ये सब सॉलिड्स होते हैं जनरली. समझ आ रही, इनमें जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है. तो इन सब को बेटे कलेक्टिवली एलिमेंट्स कहा जाता है. इन एलिमेंट्स के में क्या होता है, हर एक एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, और एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. चलो न्यूक्लियर फ्यूजन हो वो अलग बात है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है. कोई भी रिएक्शन, जब भी कभी भी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियस नहीं इन्फ्लुएंस में आता, ओनली न्यूक्लियर फ्यूजन. जब रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं तब न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस में आता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है. समझ आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है. ये प्योर फॉर्म है, इनको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो नया एटम बन जाएगा. अगर मैं इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन करवाऊंगी तो नाइट्रोजन वैसे का वैसे नहीं रहेगा, नाइट्रोजन से एक नया एटम बाहर आ जाएगा. समझ आ रही है, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन में, अदरवाइज वो अपना वैसे का वैसे रहेंगे. अब आ जाओ, इसके अलावा दो एटम्स कंबाइन हो गए मॉलिक्यूल बनाते हैं. जैसे हम ओ, कभी भी अकेला नहीं एग्जिस्ट करता, ओ टू लिखते हो आप, सिंबल हम ओ लिखते हैं क्योंकि इसमें एक कोवलेंट बॉन्ड है. वी विल स्टडी इन द एक्स्ट्रा क्लासेस. एफ को एफ टू लिखोगे, सी एल को सी एल टू लिखते हो, कभी भी एन ए को एन ए टू नहीं लिखते, एम जी को एम जी टू नहीं लिखते. मेटल्स को हम कभी नीचे टू नहीं लगाते. अब नॉन मेटल को देखा करो, जनरली एन टू ओ टू एस एट, सल्फर एस एट की फॉर्म में है, एफ टू सी एल टू. वो चीज है कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता कभी. अब ये तो हो गए बेटे एलिमेंट्स की बात, जो प्योर फॉर्म की, जो एक ही टाइप के एटम के बने हुए. अब आ जाओ हम कंपाउंड्स की बात करें. अगर मैं इस सोडियम को उस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूं तो मेरे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड. वो कैसे बना, दो एलिमेंट को मिलके, वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड NaCl. ये सारे बेटे कंपाउंड है जो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलके बने, ठीक. अब हर एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो से कंबाइन होते हैं. NaCl का फॉर्मूला NaCl ही रहेगा, आप कभी भी NaCl2 नहीं लिख सकते. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O ही रहेगा, आप कभी भी Na4O2 नहीं लिखोगे, Na6O2 नहीं लिखोगे, कुछ नहीं लिख सकते, यही रहना है. सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 ही रहेगा. ये एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं. दुनिया में कहीं भी चले जाओ फॉर्मूला यही रहता है. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. चलो,